मत्स्येंद्रनाथ और दत्तात्रेय को इस परंपरा में सबसे महान योगियों के रूप में जाना जाता है। खड़ा शराब का एक जग उनकी एक जांग पर था और एक जवान औरत दूसरी जांग पर। उन्होंने बस देखा दत्तात्रेय नशे में लग रहे थे। ये परशुराम के लिए एक प्रदर्शन था क्योंकि वे जबरदस्त क्षमताओं वाले मनुष्य हैं। योग की कुछ परंपराओं में वे योगियों को तीन श्रेणियों में इन्हें मंद, मध्यम और उत्तम के रूप में जाना जाता है। मंद योगी मतलब उन्होंने ये जान लिया है कि चेतन होना क्या होता है। उन्हें सृष्टि के स्रोत को जान लिया है, उन्होंने एकत्व जान लिया है, लेकिन वे दिन भर उस स्थिति में नहीं रह पाते। उन्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है। जब वे खुद को याद दिलाते हैं और जागरूक होते हैं तो वे उस स्थिति में होते हैं। जब वे जागरूक नहीं होते तो वे पूरा अनुभव खो देते हैं। कोई भी प्रयास करके 24 घंटे चेतन नहीं रह सकता। आप चेतन होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अगर आप इसे कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक बनाए रख पाते हैं तो ये बड़ी चीज है, वरना यह ध्यान यहाँ वहां भटकेगा। तो योगी के पहले चरण को मंद कहा जाता है, योगी के दूसरे चरण को मध्यम कहा जाता है, जिसका मतलब है मध्य स्थान। वे लगातार बोध पाते हैं लेकिन भीतरी आयाम और जो परे है वो बोध में है, पर जो यहां है वे उसे संभाल नहीं पाते। अपने भारत में होने की वजह से बहुत से योगियों के बारे में सुना होगा जिनकी पूजा की जाती है लेकिन वे अपने जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ थे। ऐसे कई योगियों को उनके जीवन के कुछ चरणों में खाना खाने और टॉयलेट जाने के लिए भी याद दिलाना पड़ता था, उस चीज की भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे असहाय शिशुओं जैसे हो गए थे लेकिन अपने भीतर वे एक शानदार स्थिति में थे। पर वो जितनी भी शानदार हो, आप उस स्थिति में नहीं रह सकते क्योंकि भौतिक दुनिया से अलग हो जाने पर आप भौतिक शरीर में नहीं रह सकेंगे। अगर आपको अपना भौतिक शरीर बनाए रखना है तो आपको भौतिक दुनिया में किसी प्रकार से काबिल होना जरूरी है, वरना आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। योगी का तीसरा चरण वो जो परम है उसका निरंतर बोध पाता है और साथ ही बाहरी दुनिया के भी पूरे तालमेल में होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वाकई योगी है या नहीं। दत्तात्रेय, आपने दत्तात्रेय के बारे में सुना है? दत्तात्रेय, ओह ये अच्छी बात है क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ और दत्तात्रेय को have been held as the greatest yogis in the tradition. इस परंपरा में सबसे महान योगियों के रूप में जाना जाता है। बाकी सभी आत्मज्ञानियों में से इन दोनों को सबसे महान माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ because of the way he existed. वे इस तरह से जीते थे कि लोग उन्हें शिव का अवतार मानते थे। दत्तात्रेय के बारे में उनके आसपास के लोग कहते थे कि वे शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों का एक साथ अवतार हैं।